देखो जरा चेहरा कैसा उतरा हुआ है। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बस आजकल बीपी हाई रहता है। ब्लड प्रेशर हाई क्यों ना हो, आई जब ऐसी ऐसी बातें मोहल्ले से सुनने को मिलेंगी। कैसी बात है? नाजिया, तुम अपने बेटे हारून को सकीना के घर जाने से क्यों नहीं रोकती? जब देखो वही नजर आता है, और वो मानूर को देख लो, आए दिन अपनी माँ के दर पे पड़ी रहती है। अरे कल ही आई है वो, पूरे मोहल्ले ने देखा, तीनों माँ बेटियां सज धज के हारून की गाड़ी में बैठ के सैरो सपाटे को गई हैं। मेरी बात मानो, अरे हारून के लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लो, वरना ये तीनों उसको लूट लूट के खा जाएंगी। हैं? अफजल के बाद में ऐसा लगता है ये औरतें जिससे पागल और आपे से बाहर हो गई हैं। आए ना अपनी इज्जत का डर है और ना हारून के मिटने का गम। कहने को तुम्हारे अपने हैं? कोई अपने वपने नहीं है, दीमक हैं जो मेरे बेटे की जिंदगी को तबाह कर रही हैं। सही कह रही हो, आई पूरे मोहल्ले की यही राय उन तीनों के लिए। बस तुम तो अपने बेटे को बचाओ, और महानूर को देखो, हाय मियाँ के होते हुए कजन का घर ही नहीं बसने दे रही है। और शक्ल से देखो कैसी मासूम लगती है। कोई मासूम नहीं है, क्यों ना हो, बेटी किसकी है। सही याद दिलाया तुमने, आज तक इस बात को मोहल्ले वाले नहीं भूले। अब बेचारे अफजल को देखो, चटपट मर गया। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, बड़ी बदकिस्मत है उस घर की लड़कियां। बस तुम तो अपने हारून की शादी कर दो, आई जब बीवी आ जाएगी ना तो पल्लू से बांध के रखेगी, फिर कैसी चच्ची और कैसी कजन कोई याद नहीं रखता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा और जल्दी। इतना जल्दी जाने का प्लान बन गया आपका? हाँ बेटा, वहाँ ने अचानक फैसला कर लिया कि हमें अमेरिका शिफ्ट हो जाना चाहिए। शुक्र खुदा का, अब मैं सुकून से मर सकूंगी कि मेरा बेटा मेरे पास है। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और आप अपनों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे। ये सब कुछ बेटा तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ कि मेरे बेटे को ख्याल आया कि उम्र के हिस्से में हम साथ रहे। आपके बिन बहुत उदास हो जाऊंगी मैं। मैं भी बेटा तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाऊंगी। थोड़े अरसे में बहुत अजीज हो गई हो मुझे तो। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? अमेरिका? हाँ हाँ अमेरिका, वीजा टिकट सब मेरी जिम्मेदारी। तुम अपने ससुराल वालों से कहोगी ना तो वो फौरन तैयार हो जाएंगे। मैंने जान लिया है बहुत लालची फितरत के लोग हैं। मैं जानती हूँ कि वो लोग मान जाएंगे, लेकिन फिर अम्मा और मेहर यहाँ अकेली रह जाएंगे, उनसे तो नहीं मिल पाऊंगी ना मैं। हाँ मुझे मालूम था कि तुम्हारा यही जवाब होगा, मैंने इसीलिए इसरार नहीं किया। अच्छी याद बनकर हमेशा तुम मेरे हादसे में रहोगी। आज रात की हमारी फ्लाइट है इस्लामाबाद के लिए, वहां से हम लोग अमरीका के लिए सवार हो जाएंगे। ये मेरी तरफ से रख लो, माँ समझ के कबूल कर लो। ये? हाँ, ये 5 लाख का चेक है, अपने लिए कुछ ले लेना बेटा। नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारी मोहब्बत की ये कोई कीमत नहीं है, रख लो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। जीती रहो। बीबी जी रुकिए, बैंक बंद हो चुका है, आप कल आ जाइए। नहीं भाई कल नहीं आ सकती मैं, ये चेक आज कैश करवाना होगा। देखिए आपको बताया कि टाइम खत्म हो गया है। अंदर स्टाफ तो होगा, मुझे अंदर जाने तो दें आप। जी नहीं अंदर कोई मौजूद नहीं है, बैंक बंद हो गया है, आप जा सकते हैं। क्या करूं, चेक भी कैश नहीं हो सकता, टाइम जो निकल गया है आज का,
8,000 ना दिए तो अम्मा घर में भी घुसने नहीं देंगी। चेक कैश करवाने के लिए दोबारा घर से कैसे निकलूंगी मैं? रात या किसी और के हाथ लग गया तो अम्मा को किस तरह पैसे दूंगी? कैसे महल के लिए कुछ बचा सकूंगी? अब्बा चाची के हालात बहुत बुरे हैं। आज मालिक मकान भी आया था घर बेचने के लिए। मैंने कितनी बार उनसे कहा है कि किसी और घर में शिफ्ट हो जाएं। इसी सिलसिले में मैंने उनको पहले भी घर दिखाए और आज भी गया था, लेकिन वो किसी बात पर आमादा ही नहीं हो रहे। मेरे जहन में तो कोई हल नहीं आ रहा। अगर आपके जहन में कुछ और हल है तो बताइए। नहीं यार, हल तो वही सही है जो तुम बता रहे हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारी माँ मानेगी। अच्छा, सकीना भी इसी वजह से बात नहीं मान रही है, क्योंकि मैं जानता हूं। तुम एक काम क्यों नहीं करते, सकीना और महर के लिए दूसरा किराए का घर क्यों नहीं तलाश करते हो? अब्बा, वो तो मैं उनसे कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं उनसे रेंट की बात करता हूँ तो उनको बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है जैसे मैं उनकी खुददारी। चाची जान को क्या अच्छा लगता है, चाची जान को क्या बुरा लगता है, तुम अपनी सारी जिंदगी इसी तरह से गुजार लेना। फिक्र ना करना तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि तुम्हारी अम्मी को क्या बुरा लगता है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मेरी बहन ने रिश्ता खत्म कर दिया। उसने मुझे कहा है कि उसकी बेटी के बहुत साल हमने जाया किए हैं सिर्फ इस आस में कि एक ना एक दिन हारून उसे शादी करने के लिए आमादा हो जाए। और उसने मुझे इस बात का ताना भी दिया है कि हारून की शादी क्यों करना चाहती हो जब हारून खुद अपनी शादीशुदा कजन और उसकी माँ को गाड़ी में बैठाकर नए नए घर दिखा रहा है। यार बस कर दो नाजिया, अजीब अजीब बातें कर रही हो। तू को गैर थोड़े ही है, मेरे भाई और भतीजियों के बारे में बात कर रहे हैं लोग। इसकी नीयत साफ है ना? जी जी बिल्कुल, आपके बेटे की नीयत साफ है, इसीलिए मुझे मोहल्ले वाले ये बता रहे हैं कि अपने बेटे को शादीशुदा औरत से बचाओ। आपकी भाभी और उनकी बेटियों की तो सारी गैरत खत्म हो गई, लेकिन मुझे अभी भी इस बात पे शर्मिंदगी होती है। क्यों सुनती हो लोगों की बातें? लोग करते रहते हैं उल्टी सीधी बातें। मतलब अब जो कहेंगे तुम मान लोगे आराम से? वो लोग भूल गए हैं क्या कि कमाने वाला चला गया है? कमाने वाला चला गया और मेरा बेटा अब अपनी सारी जिंदगी अपनी कमाई उनके ऊपर लौटाएगा, खुद शादी नहीं करेगा। ठीक है, हीरा से नहीं करनी ना करो, किसी एक लड़की के साथ शादी करने को तैयार तो हो तुम? आप यही चाहती ना कि मैं शादी करूं? हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार। किससे? किससे? मुबारक हो, लड़के ने हाँ कर दी, अब लड़की तो ढूंढ लो। नहीं अब लड़की मैंने ढूंढ ली है, वो शहजादी से। कौन शहजादी? शहजादी कौन है? वो मानूर की नंद शहजादा। अल्लाह, हर बात में मानूर का हवाला क्यों जरूरी है? बाकी दुनिया की सारी लड़कियां मर गई कि कोई ना कोई मानूर का कनेक्शन ढूंढना होता है तुमने। मम्मी, पसंद करते हुए ध्यान, ट्रस्ट मी, वाकई में नहीं रहा कि वो मानूर की नंद है। अच्छा, अब तुम्हें इस बात पे भी एतराज है? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना, बेटे के सेहरा सजाने का टाइम आ गया है, अब जल्दी से तैयारी करो यार। माओ इसकी अच्छी तरह से जानती हूँ, आज तक शादी के लिए तैयार नहीं था और एकदम से। मम्मी, हो जाता है प्यार, नहीं पता चला। आप बस जल्दी से मेरा रिश्ता लेकर जाए उनकी तरफ। चलो जी, बेटे ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, हथेली पे सरसों जमाने की तैयारी करो। तैयारी करो? और जो मेरी सर की कसम खाई थी तुमने? अच्छा, वो कफारा मैं दे दूंगा, प्रॉमिस। देखो स्वीट हार्ट, तुम मुझे बहुत अजीज हो, इस घर में सारा फसाद तो उप्स, सारी रौनक तुम्हारे दम से है। बस 10 फरवरी से पहले अपने एआरवाई लगुना फॉर्म वेरीफाई करवाओ। अच्छा? और हर फॉर्म पे 1,00,000 डिस्काउंट कमाओ। अब मिलेंगे एआरवाई लगुना के हर वेरीफाइड फॉर्म पे 1,00,000 रुपए और पाकिस्तान में पहली बार 1% पर मंथ पेमेंट प्लान। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.arylaguna.com। ARY लगुना, ये है कराची।